विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में वीआईपी पास पर क्यूआर कोड के माध्यम से दर्शन की व्यवस्था महाकाल प्रबंध समिति द्वारा शुरू किया जा रहा है। श्रद्धालु इस क्यूआर कोड में समय व महाकाल मंदिर में प्रवेश के साथ साथ गेट की भी लोकेशन देख सकेंगे। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में महाशिवरात्रि पर्व पर श्रद्धालुओं के लिए दर्शन पास की व्यवस्था करने जा रहा है, जिसमें अब वीआईपी पास पर क्यूआर कोड लगाया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं के लिए आसान होगा। उस पास पर दर्शन का समय लिखा होगा, उसी समय पर श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश कर पव महाकाल के सुगम दर्शन प्राप्त कर सकेंगे। यही नहीं, वीआईपी पास पर जो क्यूआर कोड होगा उसमें मैप भी होगा, जिसमें मोबाइल के माध्यम से महाकाल मंदिर के किस प्रवेश गेट से आ सकते हैं, इसके लिए मंदिर प्रबंधन समिति आईटी कंट्रोल रूम से क्यूआर कोड पास जारी कर लोकेशन ट्रेस कर सकेंगे। इस पर अभी काम किया जा रहा है। मंदिर प्रबंधन समिति व जिला प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द ये सुगम व्यवस्था करने की बात कर रहा है। अगर ये क्यूआर कोड वाली दर्शन व्यवस्था सफल हो जाती है तो इस व्यवस्था को आम श्रद्धालुओं के लिए भी लागू किया जा सकेगा। इस बार ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि जो अपने टिकट रहेंगे 250 वाले टिकट रहेंगे और जो बाहर के कर्मचारियों की ड्यूटी त्यौहार के समय लगाते हैं तो उनको जो पास इशू करेंगे उन पास के ऊपर एक क्यूआर कोड अपन देने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके अंदर बाकी जानकारी तो रहती है उसमें, बाकी एक अपने मंदिर के आसपास के जितने भी गेट हैं उसकी भी एक लोकेशन आ जाए उसको कि उस कर्मचारी की ड्यूटी कहाँ पर और कौन से गेट पर लगी हुई है, तो उससे उसको सुविधा हो जाएगी वहाँ पर पहुँचने के लिए। दर्शनार्थियों के लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि उसमें दर्शनार्थी आम के लिए तो नहीं कर पाएंगे अपन, क्योंकि आम दर्शनार्थियों के लिए अपन ने हर सीधी से एंट्री रखी है ना। वो जो भी टिकट वाले रहेंगे 250 टिकट वाले, उसके ऊपर अपन कोशिश कर रहे हैं कि उसमें उनकी लोकेशन आ जाए कि हम माधव सेवा न्यास से उनको लेके आ रहे हैं या यहाँ से एंट्री है उनकी, तो ऐसा अपन उसमें करने का प्रयास कर रहे हैं कि वो उन्हें स्कैन करेगा तो उसको उसकी लोकेशन समझ में आ जाएगी। महाकाल मंदिर समिति द्वारा महाशिवरात्रि पर्व पर एक वीआईपी दर्शनार्थियों के लिए एक नई व्यवस्था आरंभ की है। जी हाँ, जो श्रद्धालु वीआईपी दर्शन करते हैं उन्हें एक क्यूआर कोड दिया जाएगा और उसकी एक समय सीमा निर्धारित की जाएगी, उसी समय सीमा पर श्रद्धालु आसानी से दर्शन कर सकेंगे। उज्जैन से गगन सिंह की रिपोर्ट।